हाय, आई एम डॉक्टर मुबारक हुसैन, एचओडी ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, यशोदा हॉस्पिटल, कौशाम्बी। आज हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी की जरूरत किन किन कंडीशन में पड़ती है? सबसे पहले कार्डियो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन और आपका लंग्स डिजीज में इसमें होता है, और स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी और मस्कुलोस्केलेटल थेरेपी। काफ़ी सारी कंडीशंस में हम फिजियोथेरेपी के यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें नेक पेन है, तो नेक पेन में हम क्या क्या कर सकते हैं और ये क्यों होता है? तो नेक पेन जो है आजकल अमूमन सभी लोगों में देखा जाता है, चाहे वो यंग हो या बुजुर्ग हो या मिडिल एज के हो, क्योंकि आजकल हम लोग सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, स्क्रीनिंग टाइमिंग हमारी बहुत ज़्यादा हो गई और मूवमेंट बहुत ही कम है, मूवमेंट करते नहीं, इसलिए मसल में स्पाज्म आ जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। लोग सुनेंगे गर्दन मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही थी, इसका बहुत ही अच्छा घरेलू थोड़ा सा इलाज बताते हैं हम। इसके लिए क्या करें, जब भी आप वर्क पे काम करें तो थोड़ा सा नेक का मूवमेंट करते रहें, दाएं बाएं आप इसको हिला सकते हैं, तब स्ट्रेट ना बैठ 15-20 मिनट में थोड़ा सा मूवमेंट कर लें, और अपना जो स्क्रीन, चाहे आप लैपटॉप पे काम करें या मोबाइल पे काम करें, उसको थोड़ा सा कम कर दें। उसके बाद आपको अगर इससे भी पेन कम नहीं होता, आप तुरंत ही अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कॉन्टैक्ट करें और उनसे बात करें और उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। इसमें काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं और बोन्स के अलाइनमेंट करते हैं, जिससे आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है और पेन कम हो जाता है। और हम लोग घर के लिए होम प्रोग्राम एक्सरसाइज देते हैं, जिसको आप कंटिन्यू करेंगे तो ये दोबारा नहीं होगा। तो कोशिश यही होता है कि आप घर पर जाके इसको अच्छे से एक्सरसाइज करते रहें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे फर्दर ना आए। बाकी इसी तरीके से अगर आपको नेक पेन है या फिर बैक पेन है या फिर आपको नी पेन है, तो ये सब चीज़ की फिजियोथेरेपी होती है। और नी पेन में काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट हमारे पास है, इवन हम लोग नी रिप्लेसमेंट भी कोशिश करते हैं कि टाल दिया जाए, और जो चलने में और आपका डेली एक्टिविटी लाइफ है काफ़ी अच्छा हो जाए। तो नी में नी अथराइटिस जो होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपकी जो नी ज्वाइंट के आसपास की मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और उसको रिलीज करके वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, ताकि आप अपना जो डेली रूटीन का काम है वो कर सके और आपका पेन कम हो जाए। जैसे ही मसल स्ट्रेंथ होगा, आपका चलना फिरना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फिजियोथेरेपी में हम लोग काफ़ी सारी मशीनें यूज़ करते हैं इसके लिए, जैसे कि हॉट पैक हो गया रिलैक्सेशन के लिए, लेजर थेरेपी का यूज़ करते हैं हम लोग, FMS का यूज़ करते हैं, जो कि आजकल बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है FMS, जिससे कि हम डिजनरेशन प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका आजकल आ रहा है। और हम लोग इसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी देते हैं, और मेन जो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है वो मैनुअल थेरेपी का। इससे मैनुअल थेरेपी से आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और हम लोग जो बीच में गैप हो जाता है उसको रिलीज करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। और इसी तरीके से हम चलते हैं अगर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में, तो आजकल अमूमन देखा जाता है स्ट्रोक के पेशेंट, स्ट्रोक बहुत हो जाता है, तो स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा हमारे यहाँ सेटअप है, फिर न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारे यहाँ है, जो कि एरिया का सबसे ही बेहतरीन और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है। तो उसमें हम लोग पूरा एक्सरसाइज का प्रोग्राम करते हैं, जो कि हम लोग 0 डे से लेके और उसको जब तक ट्रीटमेंट वो सही ना हो जाए तब तक उसका इलाज करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग मशीनों के थ्रू और मैनुअल एक्सरसाइज के थ्रू और सपोर्ट ऑफ द फिजियोथेरेपी, सबको मिला के टीम के थ्रू इसका इलाज किया जाता है, जिससे पेशेंट बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाता है अगर टाइम से हमारे पास आ जाता है तो। और बहुत सारे जैसे कार्डियो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, इसमें हम लोग लंग्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाते हैं, ताकि लंग्स में जो प्रॉब्लम है वो जल्द थोड़ा सा आराम मिल जाए आपको, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए और मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाए। तो इसमें फिजियोथेरेपी टेक्निक से इसको हम लोग काफ़ी अच्छा आगे बढ़ाते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हम लोग मशीनों का भी यूज़ करते हैं, जैसे FMS काफ़ी अच्छा लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी काम, जो हमारे बहुत ही लेटेस्ट मशीन है, ये जर्मनी से हमारे यहाँ आया हुआ FMS, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और FMS का एक और चीज़ है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट बैक पेन में है। बैक पेन में अगर आपका सियाटिका पेन है और डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, PIVD हो गया है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मशीन हमारे पास है FMS, जिसके थ्रू हम लोग इलाज करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट, इवन पेशेंट 1 पहले दिन से ही आराम उसको मिलना शुरू हो जाता है। बाकी और भी कोई भी आपको पेडियाट्रिक रिलेटेड इशू हो, वो जैसे CP के पेशेंट होते हैं और डिले माइलस्टोन आपके पेशेंट हैं, इस टाइप के कोई भी पेशेंट, तो हमारे यहाँ आइए और इसको दिखाइए, और फिजियोथेरेपी से काफ़ी आपको राहत मिलेगी। बाकी गायनी फिजियोथेरेपी भी हमारे यहाँ होती है, तो मसल स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, और भी कोई भी फिजियोथेरेपी रिलेटेड, मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे यहाँ यशोदा हॉस्पिटल में
कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो कभी भी फोन करके और अपॉइंटमेंट लेके आप हमारे से मिलके और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।